तो बात जब बाइक मॉडिफिकेशंस की आती है तो आप चाहे ऑनलाइन देखिए चाहे ऑटो मार्केट में जाइए, आपके पास ऐसे हज़ार ऑप्शंस मिलेंगे जो आपकी बाइक को फैंसी और गैजेट से लैस कर सकते हैं। पर जब बात टूरिंग की आती है तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको ऐसे वाकई में कौन से मॉडिफिकेशंस कराने चाहिए जो आपकी टूरिंग को आसान बनाए, आपकी राइड को आसान बनाए और आपके सफ़र में आपकी परेशानियों को कम करें। तो आज का हमारा वीडियो इसी पे है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल GS राइडर्स में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से कि आपको टूरिंग के लिए अपनी बाइक में कौन से ऐसे मॉडिफिकेशंस कराने चाहिए जो आपकी टूरिंग को कंफर्टेबल और इजी बनाए। और इससे पहले हम आपको बता देते हैं, हम लोगों ने दो वीडियोज़ और बनाए हैं टूरिंग पर, और पहला है आपकी बाइक जाने के लिए रेडी है कि नहीं टूर पर, दूसरा है आपकी खुद की तैयारी के बारे में। उन दोनों वीडियोज़ के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इन सारे मॉडिफिकेशंस का जो हम लोगों ने चेकलिस्ट बनाया है उसकी भी इमेज आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से जाके सेव कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और ये जो सारे मॉडिफिकेशंस हम आपको बताने वाले हैं ये मात्र 15,000 रुपये में हो जाएंगे एक एवरेज क्वालिटी में, नॉर्मली हम लोग भी वही यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पॉइंट वाइज। पहला है, आपको एक बैटरी वोल्ट मीटर की ज़रूरत है वाटरप्रूफ, नॉर्मली वो 400 से 500 में आ जाता है। उससे ये होगा कि आपके बैटरी का करंट स्टेटस परमानेंट आपको पता चलता रहेगा। नॉर्मली आजकल बाइक में किक्स नहीं आते हैं तो लंबे सफ़र में कभी ऐसा होता है कि आपकी बैटरी ड्रेन हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। वो दो वजह से होता है, या तो आपकी बैटरी काफ़ी पुरानी हो गई है या तो आपकी बाइक बैटरी को चार्ज नहीं कर रही है, तो वो प्रॉब्लम आपकी इससे सॉल्व हो जाती है। दूसरा आता है आपका एक मोबाइल होल्डर जिससे आप नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं, अपने मोबाइल में नेविगेशन ऑन करके वहाँ लगा देंगे तो आपको रास्ते ढूंढने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर तीसरा आ जाता है, आपको एक USB चार्जर चाहिए जो 12 वोल्ट DC इन के साथ हो, जिसमें आप अपना एयर प्रेशर पंप भी लगा सकते हैं, मिनी वाला जो पंचर किट में लेके चलते हैं, और USB से आप अपना पावर बैंक चाहे एक्शन कैमरा चाहे ब्लूटूथ इंटरकॉम जो भी चाहे वो चार्ज कर सकते हैं। नॉर्मली जो मोबाइल होल्डर आता है आजकल उसमें USB चार्जर होता है, पर आपको एक एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत है सेफ हैंड के लिए, हो सकता है मोबाइल होल्डर वाला USB पोर्ट ख़राब हो जाए, तो आप एक ऑल्टरनेट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। फिर आ जाता है, आपको एक लंबे विंड शील्ड की ज़रूरत है क्योंकि जब आप 80-100 की स्पीड में क्रूज़ करते हैं तो विंड ब्लास्ट ज़्यादा होता है तो आपको थकान होने लगती है, तो आफ्टर मार्केट जाके अपने बाइक मॉडल के हिसाब से आप एक लंबी विंड शील्ड ले सकते हैं। अगर आपकी बाइक के लिए नहीं अवेलेबल है तो आप यूनिवर्सल विंड शील्ड अवेलेबल होती है ऑनलाइन, चाहे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं कंपनी हैं जो सिर्फ टूरिंग के लिए प्रोडक्ट बना रही हैं, वहाँ से लेके थोड़े मोड़े चेंजेस के साथ आप अपनी बाइक पे फिट करा सकते हैं। फिर आ जाता है, एक नकल गार्ड लगवाने की ज़रूरत है इन द केस आपकी बाइक ड्रॉप होती है तो आपका ब्रेक लीवर या क्लच लीवर टूटने से बच जाता है, और इन केस ऑफ क्रैश आपके हाथ पे भी चोट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि मेटल जिसमें बीच में लगा हो वो वाले नकल गार्ड्स लीजिएगा, प्लास्टिक वाले आपको 1000 से 1500 में आ जाएंगे और 2000 से 4000 रुपये में आपको मेटल वाले नकल गार्ड्स आ जाएंगे। फिर आ जाता है, अगर आपकी बाइक का सीटिंग पोस्चर अपराइट नहीं है तो आप आफ्टर मार्केट जाके हैंडल बार राइजर ले सकते हैं, क्योंकि जब आपका सीटिंग पोस्चर अपराइट होता है तो आप एक सीटिंग में ज़्यादा लंबा खींच सकते हैं, 100 से 200 किलोमीटर तक आप एक बार बैठे हुए जा सकते हैं। फिर आ जाता है, आपको एक हैजर्ड लाइट स्विच लगवाने की ज़रूरत है जिससे आपके चारों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं तो बारिश या फॉग में वो आपको काम देता है।
फिर आ जाता है आपको एक ऑक्स लाइट लगवाने की ज़रूरत है, जैसे मैंने ये लगवाया हुआ है। कोशिश करिएगा उसको लेग गार्ड पे लगवाने के लिए, क्योंकि कई लोग उसको हेडलाइट के पास, चाहे आगे वाले नंबर प्लेट पे, चाहे साइड मिरर के पास माउंट कराते हैं, पर वहाँ से उस ऑक्स लाइट का पर्पस सॉल्व नहीं होता है। क्योंकि आपको ऑक्स लाइट इसलिए चाहिए कि जो फॉग को काटे, उसके लिए ज़रूरत है कि आपके ऑक्स लाइट का फोकस रोड के कॉर्नर पे और आपसे नज़दीक होना चाहिए। आई मीन उसका थ्रो ज़्यादा दूर तक नहीं होना चाहिए, नज़दीक में होना चाहिए। फिर आ जाता है आपको एक टॉप रैक या सैडल स्टे की ज़रूरत है, जिससे आपको अपने लगेज बांधने में आसानी हो जाती है। ज़्यादा मतलब रस्सी या बंजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर आ जाता है आपको एक इंजन बेस प्लेट लगवाना पड़ेगा, मेटल वाला। उससे कई बार ऐसा होता है कि आप जब ख़राब रास्ते पे जाते हैं तो पत्थर वत्थर लगने के चांसेस से, नीचे ऑयल फिल्टर होता है कुछ बाइक्स में, तो वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, चाहे इंजन डैमेज होने के चांसेस रहते हैं नीचे से रगड़ने से, उसकी सील, इंजन की जो सील होती है वो ख़राब हो सकती है, तो आपका इंजन ऑयल लीक होने लगेगा। फिर आ जाता है एक एयर कुशन सीट की ज़रूरत है। लंबे सफ़र पे क्या होता है, आपको बैक पेन होने लगता है, चाहे बम्प में पेन होने लगता है, तो आप आफ्टर मार्केट जाके एयर कुशन सीट ले सकते हैं, जो नॉर्मली 1500 से लेके 4000 रुपए तक में अवेलेबल होता है। उससे काफ़ी रिलीफ रहता है। बाकी इन सारे चीज़ों के अलावा भी एक चीज़ है जो ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। अगर ग्रुप राइड करते हैं तो आप ब्लूटूथ इंटरकॉम सेट अपने हेलमेट पे माउंट कर सकते हैं, जिससे आप सब लोग एक साथ बिना मोबाइल फ़ोन के बात कर सकते हैं। उससे ये होता है कि कोऑर्डिनेशन बना रहता है, उसकी रेंज ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर होती है और आपके सफ़र में बोरियत भी नहीं होती है। तो खैर वो चीज़ें ऑप्शनल हैं, उसको लेते हैं तो वो 15,000 रुपये से आपका एडिशनल खर्चा है, 15,000 रुपये के ऊपर। बाकी अब आपकी बाइक टूरिंग के लिए रेडी है, इससे ज़्यादा कुछ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बाइक टूर पे ले जाने के लिए। और ये सारे जो भी मॉडिफिकेशन मैंने अपने बाइक पे कराए हैं, मेरी बाइक है KTM ड्यूक 390, इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी आपकी जो भी बाइक है आप उसके हिसाब से ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो टूरिंग के प्रोडक्ट बना रही हैं, और नहीं तो आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से भी देख सकते हैं। तो वैसे तो आप बिना किसी मॉडिफिकेशंस के भी टूरिंग पे जा सकते हैं, बस आपके पास एक बाइक, घूमने का मन और थोड़ा कैश होना चाहिए। पर ये जो सारे मॉडिफिकेशंस हैं ये आपकी टूरिंग को आसान और कम्फर्टेबल बना देते हैं। तो एक बात और बतानी है जो छूट गई, वो है कि जैसा मैंने बताया, हैजर्ड लाइट स्विच लगवाने की आपको ज़रूरत है, जिससे चारों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं। पर कुछ बाइक्स ऐसी हैं जैसे रॉयल इनफील्ड की हिमालयन हो गई, KTM हो गई, चाहे बजाज की डोमिनार हो गई, तो उनके लिए आफ्टर मार्केट हैजर्ड लाइट का एडाप्टर आता है, जो डायरेक्टली आपके पीछे वाली सीट के नीचे, पिलियन सीट के नीचे एक सॉकेट होता है, वहाँ लगा सकते हैं। और कोई भी वायर कट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्विच लगवाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आपके इंडिकेटर स्विच से ऑपरेट हो जाता है। उसमें काफ़ी सारे पैटर्न्स भी होते हैं, उसकी कॉस्ट नॉर्मली 800 से 2000 रुपए तक वेरी करती है। आप जैसा भी लेना चाहें, जिस भी ब्रांड का, वो ले सकते हैं, पर कुछ बाइक्स के लिए वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको अलग से एक स्विच लगवाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं ये चेकलिस्ट आपके काम आएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।